गोवर्धन में रामानंद आश्रम में चल रहे रामानंदाचार्य महोत्सव में रामलीला के आठवें दिन लंका दहन का मंजन हुआ। मथुरा जनपद के धाम गोवर्धन अन्योर परिक्रमा मार्ग में स्थित रामानंद आश्रम में मनाई जा रही रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव के दौरान रामलीला के आठवें दिन लंका दहन का मंचन हुआ, जिसमें सीता की खोज में निकले हनुमान ने लंकापुरी की रक्षिका लंकिनी का वध करके नगर में प्रवेश किया, जहां उनका विभीषण से मिलन हुआ। वहीं हनुमान ने विभीषण से सीता का पता जानकर अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जहां सीता के सामने श्री राम की दी हुई मुद्रिका को डालकर अपना परिचय दिया। फिर सीता की आज्ञा से अशोक वाटिका के फल खाने के बहाने हनुमान ने वृक्षों को तोड़ना शुरू कर दिया और रक्षकों को मारकर भगा दिया। ये सुनकर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को सैनिकों के साथ वहां भेजते हैं, किंतु हनुमान उसका वध कर देते हैं। फिर रावण ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजता है। श्री राम का कार्य करने की इच्छा से हनुमान स्वयं को मेघनाथ के बंधन में स्वीकार कर रावण के समक्ष पहुंचते हैं, जहां रावण व हनुमान के बीच रोचक संवाद होता है। रावण के आदेश से हनुमान की पूंछ में तेल युक्त कपड़े बांधकर आग लगा देते हैं। हनुमान इससे लंकापुरी को ही जला देते हैं। अंत में जानकी को समझाकर उनसे चूड़ामणि पहचान स्वरूप प्राप्त कर श्री राम के पास प्रस्थान करते हैं। वहीं रामलीला देखकर श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी और राम जी के जयकारे लगाए गए। ये रामलीला वृंदावन के आदर्श रामलीला मंडल के कलाकारों द्वारा की जा रही है। इस मौके पर आश्रम के संरक्षक शंकरलाल चतुर्वेदी, आश्रम के अध्यक्ष पंडित राकेश चतुर्वेदी, कार्यक्रम संयोजक सत्यम ऋषभ चतुर्वेदी, आश्रम की कोषाध्यक्ष संगीता चतुर्वेदी, पूजा चतुर्वेदी, कंचन वैदई चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, राकेश पाठक, श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24।